नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि संख योग कैसे आपके हाथ में बनता है और ये इसका निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार ये हमारी मस्तिष्क रेखा, जिसको हम विचारों की रेखा कहते हैं, जिसको हम दिमाग की रेखा कहते हैं, और इसी प्रकार से ये हमारी हृदय रेखा, हम किसी के साथ कितना अटैचमेंट है, हमारा प्रेम संबंध कैसे है, उसके बारे में बताती है। तो सबसे पहले संख योग का निर्माण कैसे होता है अपने हाथों में, यह शुक्र का पर्वत है। शुक्र का जो पर्वत है, शुक्र का पर्वत विस्तृत होना चाहिए, विस्तृत ज्यादा जगह लिए हुए हो, घेरा ज्यादा बना हो, और ये उन्नत का हो। एक विकसित तभी होता है, संख नामक योग तभी बनता है, क्योंकि शुक्र का मतलब कला, आपके जीवन में आपके मैरिज लाइफ में सुख सुविधा देने वाला, लग्जेरियस लाइफ जीने का आनंद देता है शुक्र। आपके जो सारे भौतिक सुख हैं उसका आनंद अपने मैरिज लाइफ में, जो आपके मैरिज लाइफ है वो काफी खुशहाल रखती है, वो शुक्र का जो आनंद लेते हैं शुक्र पर्वत देते हैं। और इसी प्रकार से एक भाग रेखा प्रबल हो, मणिबंध से चलकर शनि के पर्वत पर पहुंचने वाली भाग रेखा को हम सबसे अति उत्तम रेखा मानते हैं, सफलता की कुंजी मानते हैं, एक शिखर पे पहुंचने की शक्ति मानते हैं। आपका बिजनेस कैसा भी हो, आपका व्यवसाय कैसा भी हो, अगर ये सफलता की रेखा, आपकी भाग्य रेखा सफल है तो आप किसी भी क्षेत्र में अपने नाम को और अपने बिजनेस को चमका के रख देंगे। और यहीं से एक मणिबंध से रेखा चलकर सूर्य के पर्वत पर जाने वाली रेखा, जिसको हम सूर्य रेखा कहते हैं, इसको हम मान सम्मान की रेखा कहते हैं। अगर ये प्रबल है आपके हाथ में, आपको अपने जीवन काल में सारी भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त होगा, और सारी भौतिक चीज को आप अपने जीवन में हासिल करेंगे, और आपकी मैरिज लाइफ, आपकी वैवाहिक जीवन काफी सुख और आनंद व्यतीत होगा। और अगर यह किसी स्त्री के हाथ में ऐसा होता है, ये रेखाएं बनती हैं, तो उसका विवाह के बाद उसका भाग अग्रसर होता है, और उसके विवाह के ही उपरांत उसका काम काफी तेजी से बढ़ता है, और उस घर में एक खुशी का माहौल बन जाता है, और जीवन जो होता है काफी सुखमय हो जाता है, जिसको कि कहते हैं हम विवाह के बाद भाग्य का उन्नत होना। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।